फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो के जरिए और नए स्टूडेंट के साथ में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने के लिए। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जैसे कि कार कैसे चलाते हैं, रिवर्स गियर कैसे लगाते हैं। रिवर्स गियर की मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, जो कि अभी मेरे साथ में भैया हैं। अभी इनको चलाते हैं, करीबन आज 10 से 12 दिन हो गए हैं। अभी मेरी कार चला रहे हैं, अल्टो पावर स्टेरिंग, जिसका इंजन 800 cc का होता है। तो अभी इनको मैं रिवर्स की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि रिवर्स कैसे लगाना होता है, गियर कैसे लगाना होता है, और रिवर्स गियर में स्पीड कैसे बढ़ाना होता है, रिवर्स गियर में स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक और हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रही, ताकि हर एक वीडियो आप देख करके और आप अपनी कार चलाने में आपको हेल्प और मदद मिल सके। पहले बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंट से। हेलो भैया, नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? राम तिवारी जी। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? मैं गोमती नगर विराम कंटीन से। गुड। आज आपका कौन सा डे है अभी? आज मेरा 9th या 10th है। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा कंट्रोल आपको लग रहा है अभी 9-10 डे में? अच्छा लग रहा है। गुड। अभी आपको कौन कौन सा गियर बताया गया है? फर्स्ट और सेकेंड गियर। एक्चुअली होता है कि जो फर्स्ट और सेकेंड गियर होता है वही मैन होता चलाना भैया। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड गियर में कैसा कार चलाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे खड़ी करना है, कैसे यूटर्न लेना है, कैसे टर्न करना है, कैसे कार पार्क करना है, जब आप ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको आ जाएंगे तो आपको थर्ड और फोर्थ गियर चलाने में कोई इशू नहीं होगा। आप आसानी तरीके से थर्ड और फोर्थ गियर चला सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर ही नहीं आएगा तो फिर आप तो बिल्कुल ही कार नहीं चला पाओगे। तो इसलिए मैं पहले फर्स्ट और सेकेंड गियर चलवाते हैं। जब फर्स्ट और सेकेंड गियर आपका कंट्रोल बढ़िया हो जाता है तो फिर आपको थर्ड और फोर्थ गियर, जैसे कि अब आपको मैं थर्ड और फोर्थ गियर कल में आपको बताएंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट जाना, लेफ्ट का सिग्नल दो, अच्छा आपको लेफ्ट टर्न करना है, ठीक है, अच्छा लेफ्ट टर्न करना है, टर्न को रोल करता सिग्नल दे दिया आपने। गुड, घुमाइए धीरे से। गुड, सीधा करो स्टेयरिंग, जैसा कार सीधा हो जाए तुरंत स्टेयरिंग सीधा कर लेते हैं। अभी कौन से गियर पे आप कार चला रहे हैं? सेकेंड गियर। गुड, सेकेंड गियर की स्पीड क्या होती है? 40 तक होती है। नहीं, सेकेंड गियर की जो स्पीड होती है 20-25 के आसपास होती है, मैंने आपको बताया। मैक्सिमम 40 है? नहीं नहीं, बस 25-30 के आसपास थर्ड गियर लग जाता है, ठीक है। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है 40-45 तक होती है, 45 के आसपास फोर्थ गियर लग जाता है। बाकी वो डिपेंड आप पे करता है, आपके चलाने पे करता है कि आप कैसे चलाते हो, स्पीड क्या है, कितनी स्पीड पे आप कौन सा गियर कंट्रोल कर लोगे, कौन से गियर पे आप कितनी स्पीड कंट्रोल कर लोगे, ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे चला सके, कोई इशू नहीं है। आपने बताया था, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप सेकेंड गियर पर जा रहे हो, सीधे जाते रहिए। अभी आपको रिवर्स करना भी बता रहे हैं, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करिए भैया। स्टार्ट हो गई, हैंड ब्रेक अभी लगी आपकी कार में। अब पहले आप ब्रेक दबाइए, नहीं तो अगर आप हैंड ब्रेक हटा दोगे ना तो तुरंत कार आपके पीछे भाग जाएगी, क्योंकि आपकी कार ना रैंप पे खड़ी है। तो पहले ब्रेक दबा दिया ना, राइट पैर से दबाया ना, अब हैंड ब्रेक हटाइए पहले तो आप। हो गई, हट गई, कार नहीं जा रही ना कहीं। अब फर्स्ट गियर लगाइए, अभी ब्रेक नहीं था छोड़ना है आपको, ठीक है। अब आपको हाफ़ क्लच छोड़ना है, नहीं कार पीछे भागेगी। हाफ क्लच छोड़ के बस हाफ क्लच पर रोक के रखना है, पूरा क्लच भी नहीं छोड़ना, हाफ क्लच छोड़ना है। जब कार वाइब्रेट करने लगी हल्की से, बस वहीं के वहीं क्लच रोक लेना, मैं बताऊंगा। छोड़े हल्का का क्लच, और छोड़े हल्का का, और हल्का सा, बस रोक के रख रहा हूँ क्लच, वहीं के वहीं रोक लेना। अब ब्रेक छोड़ो भैया, छोड़े ब्रेक, एक्सीलेटर पर रखो पैर, राइट वाला रख लिया ना। अब पूरा धीरे क्लच छोड़ता जाओ, हल्का हल्का दो कदम जाके बस आपको खड़ी करना है, पूरा क्लच दबाइए, ब्रेक लगाइए, बस। अब ब्रेक लगाइए, लगा लिए ना। गुड, अब फिर से आप बढ़ाइए वैसे जैसे भी आप मैंने आपको बताया है वैसे फिर से बढ़ाना। हल्का हल्का पहले क्लच छोड़ो, हाफ क्लच के बाद आपका जो कार है वाइब्रेट करेगी, ठीक है। वाइब्रेट जब करने लगे फिर क्लच वहीं के वहीं रोक लेना, फिर ब्रेक छोड़ना, फिर पूरा क्लच हल्का का छोड़ना, कार आपकी आगे बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, बंद हो गया ना, क्लच दबा के स्टार्ट करिए। गियर न्यूट्रल मत किया करो, फर्स्ट गियर लगा है, क्लच दबा के आप स्टार्ट कर लिया करो।
ब्रेक दबा करके हैं, ठीक है। अब पहले हाफ क्लच छोड़ो भैया हल्का हल्का, हाफ क्लच ले लो। तुरंत जैसे आपको लगे ना कि बंद हो जाएगी मेरी कार, तुरंत क्लच दबा दिया करो, तो आपकी कार नहीं बंद हुआ करेगी। स्टार्ट करिए भैया। हल्का सा एक्सीलेट ले लिया करो ना पैर, अब हटाओ वहाँ से राइट वाला। हल्का सा एक्सीलेट, ज़्यादा नहीं लेना, हल्का सा लेना। ये प्रैक्टिस आपकी है। चलिए फिर से स्टार्ट करो। ज़्यादा एक्सीलेटर मत लो, ज़्यादा एक्सीलेटर मत लेना। हाँ ठीक है, जाते रहो। हल्का सा और राइट आई मेरी साइड, बस सीधा करो, बस खड़ी करो, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। हल्का सा फिर से आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाइए हल्का सा, फिर से वैसे बढ़ाना जैसे आपने अभी बढ़ाया है, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया, देख करके जाना। बस ज़्यादा आपको एक्सेलेटर नहीं दबाना है, अगर आप ज़्यादा दबाओगे तो आपकी कार भाग जाएगी। ठीक है, फिर से स्टार्ट करूँ, कोई बात नहीं। गुड, ब्रेक दबा के रखिए। आप क्लच छोड़िए पहले हल्का हल्का, पहले क्लच छोड़ते हैं। जब भी रैंप पे कार आपकी खड़ी होती है तो पहले क्लच छोड़ते हैं, ठीक है। हाफ क्लच छोड़ने के बाद फिर पैर आप चेंज कर लिया करो राइट वाला, ठीक है। एक्सीलेटर पे रख लिया करो, बस पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। गुड, अब लेफ्ट टर्न करो भैया, फुल टर्न करो, फुल लेफ्ट टर्न करो। आपको इस साइड से निकालना कार, छोटे हल्का का क्लच भैया। बस ज़्यादा एक्सीलेटर मत लेना, बस पूरा क्लच धीरे से ब्रेक लगाइए, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। अब राइट टर्न करो, फुल स्टीयरिंग रिवर्स करना है आपको। फुल टर्न किया भैया, फुल नहीं टर्न है अभी आपकी स्टीयरिंग। गुड, और टायर घुमाइए, और टायर घुमाइए, हो गया, फुल हो गया। अब आपको हल्का सा एक्सेलेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका लेफ्ट वाला टायर है वो गड्ढे में है। आपको हाफ क्लच छोड़ने के बाद फिर हल्का का आपको एक्सेलेटर लेना पड़ेगा। चलिए हल्का का देख के जाना, जब कोई नहीं आएगा, अभी कार आ रही है, अभी मत जाइएगा, अभी कार ही आ रहे हैं, अभी मत जाइएगा। छोड़ो हल्का का क्लच, छोड़ो भैया, और हल्का का एक्सीलेटर लेते रहना साथ में, छोड़ो हल्का का क्लच, हल्का का साथ में एक्सीलेटर लेते रहना, कंटिन्यू एक्सीलेटर लेते रहना, और हल्का का क्लच छोड़ते रहना। पूरा क्लच एकदम से मत छोड़ोगे तो कार बंद हो जाएगी। एक्सीलेट करो हल्का का, और करो हल्का का एक्सीलेट, और करो, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो, क्लच दबाइए, स्टार्ट करिए। क्लच हल्का का छोड़ा करो भैया, हल्का का एक्सीलेटर बढ़ाते रहा करो, बस कार आपकी नहीं बंद होगी। रोक लीजिए, जैसे आपको लगे ना कि आप मेरी कार बंद हो जाएगी, तुरंत क्लच दबा दिया करो, तो आपकी कार नहीं बंद होगी। चलिए गड्ढे से निकालने की प्रैक्टिस आपकी। चलिए हल्का सा एक्सीलेटर लेते रहा करो, बस कार आ रही है। चलो अब निकाल लेना आपको, ठीक है, बढ़ाओ एक्सीलेटर, बढ़ाओ हल्का का, बढ़ाइए एक्सीलेटर, बढ़ाते रहिए।
और हल्का सा बस 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 क्लच ब्रेक बहुत बड़ा निकल गई। हल्का सा और पड़ाइए पीछे, हल्का सा बढ़ाना। आप आगे क्यों बढ़ा रहे हो भैया? अब पहले आप क्लच छोड़िएगा नहीं फिर आगे चले जाएगी गड्ढे में टायर, ठीक है? अब मेरे के कार निकलने के बाद अब पहले हाफ क्लच छोड़ो भैया हल्का हल्का। आपने क्लच छोड़ा ही नहीं भैया, बढ़ाइए 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 चलो। फिर आपने गड्ढे में टायर पिला दिया, स्टार्ट करिए फिर से, कोई बात नहीं। चलो बढ़ाइए भैया, आप निकल लेना आपको, ठीक है? बढ़ाइए हाँ हाँ बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, एक्सलेट एक्सलेट करते जाओ हल्का हल्का करते जाओ, बस पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, क्लच ब्रेक। आ जाओ पीछे हल्का सा हो जाइए, घुमा लीजिए घूम जाइए, पूरा लेफ्ट टर्न करो फटाफट, फर्स्ट गियर लगाइए धीरे से, हल्का सा आगे वापस जाना, फिर आपको खड़ी कर लेनी कार, ठीक है? सीधी कर लेना, जैसे जैसे कार सीधी होगी वैसे वैसे स्टीयरिंग सीधा करो स्टीयरिंग फटाफट, बस पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, क्लच ब्रेक। हल्का सा और आगे बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए आगे, हल्का सा बढ़ाइए आगे, जगह नहीं पीछे वाले कार के लिए। लेफ्ट आइए हल्का सा मेरी साइड और लेफ्ट आइए, बस पूरा क्लच धीरे से ब्रेक। और बढ़ाइए हल्का हल्का आगे, आपको वहाँ लास्ट तक चलते रहना धीरे धीरे, ठीक है? एक साइड ले करके चलते रहना धीरे धीरे, धीरे धीरे जाइए। बस फिर से खड़ी करो, अब फिर से बढ़ाइए धीरे से, रैंप है ना अपने आप स्पीड लेती रहेगी धीरे धीरे, गुड। अब फिर से खड़ी करो भैया, खड़ी कर लीजिए भैया, गुड। अब आपको हल्का सा और आगे लेके जाना है, हल्का सा आगे ले जाना है, फिर रिवर्स करके पीछे ले जाना है, फिर घुमाना वापस, ठीक है? ले जाइए हल्का सा, मैं बता रहा हूँ। आपने बंद कर दिया कार, हल्का सा दो कदम आगे ले जाइए, फिर रिवर्स गियर लगा के आपको लेके आना है पीछे, बस। आपने गलत टर्न किया भैया स्टीयरिंग, स्टीयरिंग आपको लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करो तभी तो राइट आएगी कार। लेफ्ट टर्न करिए फटाफट, फुल टर्न करिए, लगाइए रिवर्स गियर। छोड़े हल्का का क्लच, स्टार्ट करिए फिर से, बंद हो गई कार आपकी। सीधी करनी कार आपको, सीधी बस सीधी हो गई, स्टीयरिंग सीधा करो फटाफट, स्टीयरिंग सीधा करो, स्टीयरिंग नहीं हुआ, अब हो गया सीधा। और पीछे जाइए हल्का सा, और पीछे जाइए भैया, और पीछे जाइए, बहुत जगह है पीछे पीछे पीछे। बस अब फिर से फर्स्ट गियर लगाइए भैया और कार बाहर निकालिए, लेफ्ट टर्न करिए इधर ही, फुल टर्न करो लेफ्ट, आउट टर्न करिए, आउट टर्न करिए, बस आइए लेफ्ट। बंद कर दे रहो आप कार बार बार, बंद कर दिया फिर आपने कार, स्टार्ट करिए क्लच दबा के, क्लच हल्का का छोड़ा करो, पूरा क्लच छोड़ोगे कार बार बार बंद हो जाएगी आपकी।
कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए फिर से, हल्का के क्लच छोड़ा करो भैया। आइए हल्का सा लेफ्ट, बस फिर से आपने बंद कर दिया, स्टार्ट करिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए। चलिए हल्का क्लच छोड़िए भैया, नहीं बंद होगी कार आपकी। अब पैर चेंज करो राइट वाला, हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, नहीं बटी हो सकता जो आपका टायर है वो गड्ढे में हो। निकल गई भैया, मिट्टी वगैरह ना, मिट्टी बालू है, दलदल है, तो आपका जो टायर है वो बैठा हुआ गड्ढे में, ठीक है। बहुत अच्छा आपने चलाया, लेफ्ट आई हल्का सा।